नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आप बीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता जसोदा पत्नी आसाराम अहिरवार निवासी ग्राम धवा थाना मड़ावरा जिला ललितपुर ने पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 10 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे जब वह अपने घर में थी और उसकी 9 वर्षीय बेटी जो कक्षा 4 में पढ़ती है मोहल्ले में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी मोहल्ले के एक युवक ने उसे बहला फुसला कर अपने घर में बुला लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और 100 रुपये की लालच देकर किसी से ना कहने की बात कहने लगा। बेटी के चीखने की आवाज़ सुनकर जब पीड़िता आरोपी युवक के घर में पहुंची, तो युवक ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना की शिकायत उसी दिन पीड़िता द्वारा मड़ावरा थाने में की गई, लेकिन आज पूरे 5 दिन बीत जाने के बाद भी मड़ावरा पुलिस द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बावजूद इसके बीती 14 सितंबर को पीड़िता के साथ ही मड़ावरा पुलिस ने अभद्र व्यवहार कर दिया। पुलिस अधीक्षक से पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आप लोग प्रार्थना पत्र देने हैं। हम अपनी बच्ची के लाने 10 तारीख को दोपहर 1 बजे हमारी बच्ची के लाने बुलाया कि बच्ची तुम राशि लिया, हमारी बच्ची राशि लेने गई तो उसने बुलाया कि इतने अंदर दे जा तुम, तो अंदर देने गई बच्ची तो उसने कही कि हमारी खील उठा दो रेख पैसा, तो बच्ची को ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर से बच्ची ने बोली कि हमें नहीं मिल रही है, तुम नीचे उतार दो चाचा, हमें नीचे उतार दिया। नीचे उतार के वो बच्ची के 2 हाथ पकड़ लिए, वो बच्ची से बोले कि तुम बात किसी से नहीं कहना, हम तुम्हें 100 रुपया दे रहे। तो बच्ची ने बोली कि नहीं, हम अपनी माँ से कह देंगे, हमें छोड़ दो। ना बच्ची इतने में चिल्लानी, तो हम बाहर टेल रहे थे तो बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ मिली, तो हम फिर गए अंदर सुबह अंदर की वाला आती, फिर हमने बोली जब की बार खुली फिर, और हमने बोली सो कह रहे हैं कि साली चमरिया ते इधर आ गई हो, हम साली जान से मारेंगे तेरी, हम हमारे लाने भी गजब। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था अभी तक। फिर कहाँ आई हैं आप लोग? हम मड़ावरा थाना में गए होते, 5 दिन हो गए, कुछ सुनाई नहीं हो रही, हमारे लाने दबा रहे चपा रहे और राजीनामा कर दो, हम नहीं करेंगे राजीनामा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।